नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर पहलवान खिलाड़ियों के भयंकर ऐलान के बाद है। इंडिया गेट से निकलने के बाद जब कैंडल मार्च हुआ, उसके बाद जंतर मंतर से जो ऐलान हुआ है, उस ऐलान को सुनिए, वो मोदी सरकार के होश उड़ाने वाले हैं। पहलवानों के उस ऐलान को, उस चीख को, उस पुकार को सुनिए, बृजभूषण के पसीने छुड़ाने वाले हैं। पहलवानों की उन बातों को, उन सबूतों को सुनिए, कानून व्यवस्था के हुक्मरान जो इस वक्त जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अमित शाह के नींद उड़ने वाले हैं। तो जरा सुन लीजिए उनका ऐलान क्या है। देखिए, जैसे कि हमारे जितने भी किसान संगठन हैं, हमारी गांव पंचायतें हैं, सभी बड़े बुजुर्गों ने सभी बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि 28 तारीख को संसद भवन के सामने, नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा, तो उसमें हम युवाओं का, सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और अगर आज इन देश की बेटियों को न्याय मिल जाता है तो आने वाले जितनी भी बेटियां होंगी उनको भी हिम्मत देने का हम काम करेंगे। संसद भवन के सामने महापंचायत करेंगे, संसद भवन के सामने, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। और बिल्कुल शांतिपूर्वक, जैसे आज हमने किया है, ऐसे ही हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। 28 तारीख, हाँ जी, 28 तारीख, हाँ जी। देखा आपने साफ शब्दों में कि इसके बाद भी अब अमित शाह जी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर खास करके जो है पहलवान खिलाड़ियों ने जो ऐलान किया, क्या उसके बावजूद भी अब सरकार के पास जवाब है? बिल्कुल भी नहीं। अगर होता तो वो शायद देते हुए नजर आते, यही वजह है कि वो अब तक देते हुए नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा, देखना पड़ेगा कि आखिर इस ऐलान के बाद बृजभूषण शरण सिंह या मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।